हूँ आपके लिए आईटीएन टेलीकॉम न्यूज। सो वेलकम टू द शो एंड लेट्स सी कि आज की हमारे पास क्या हैपनिंग्स है और क्या रीसेंट अपडेट्स है। सो व्यूअर्स विल स्टार्ट आवर आईटी अपडेट विद आवर फर्स्ट न्यूज। एंड हमारी आज की जो पहली न्यूज है इट्स रिलेटेड टू व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के एक नए फीचर से रिलेटेड है जो कि व्हाट्सएप ने भी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस कराया है। और वो फीचर ये है कि अब आप अपनी डिलीटेड मीडिया को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप यूजर्स अब अपने डाउनलोडेड डिलीटेड मीडिया को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। ये ऑप्शन ऐसी है जो कि पहले हमारे यूजर्स के पास नहीं थी। पहले ये होता था कि आप व्हाट्सएप से रिलेटेड जब भी आप कुछ डाउनलोड करते थे तो वो आपकी फोन मेमोरी में आ जाता था, लेकिन जैसे ही आप उसे अपनी फोन मेमोरी से डिलीट करते थे तो ऑटोमेटिकली वो व्हाट्सएप की हिस्ट्री से या व्हाट्सएप के सर्वर से भी डिलीट हो जाता था। लेकिन अब यूजर्स के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो अपने फोन मेमोरी से उसे डिलीट भी कर दें तो भी वो वापस अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में जाके उसे दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनका जो डेटा है वो व्हाट्सएप सर्वर के ऊपर सेव रहेगा। सेकेंड न्यूज फॉर टुडे इज रिलेटेड टू नोकिया। और जैसे कि आपको पता है कि नोकिया ने अपना जब से कमबैक दिया है वी हैव सीन क्वाइट सम मॉडल्स ऑफ नोकिया फोन्स। और अभी से पहले भी अगर हम लोग स्मार्टफोन्स की बात करें तो हमने नोकिया के कुछ अमेजिंग स्मार्टफोन्स देखे हैं जैसे कि नोकिया 6 एंड नोकिया 8। अब आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे स्मार्टफोन की जिसे नोकिया जल्द ही लॉन्च करेगा और उस स्मार्टफोन का नाम है नोकिया X। कहा ये जा रहा है एचएमडी ग्लोबल की तरफ से कि नोकिया एक्स 2018 को रिलीज किया जाएगा 27 अप्रैल 2018। ये हैंडसेट जो है ये दो वेरिएंट्स में आएगा, एक आएगा 4GB रैम के साथ और दूसरा 6GB रैम के साथ। फिर व्यूअर्स अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो हम देख सकते हैं कि नोकिया ने 2014 में भी नोकिया एक्स के नाम से कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे जो कि यूजर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया था। अब हम देखते हैं कि दोबारा नोकिया कमबैक ला रहा है एक्स सीरीज का। सो इस टाइम दिस एक्स डजंट स्टैंड फॉर जैसे कि आईफोन 10 बट इट्स फॉर एक्स, क्योंकि नोकिया अपने पुराने फोन को दोबारा से रीवैम्प कर रहा है। इसके बाद व्यूअर्स चलते हैं हम अपनी थर्ड आईटी अपडेट की तरफ। और हमारी जो थर्ड आईटी अपडेट है इट्स रिलेटेड टू इंस्टाग्राम ऐप ऑन विंडोज फोन। जैसे कि हम जानते हैं कि इंस्टाग्राम ऐप जो है वो हमारे पास विंडोज फोन के लिए और विंडोज डेस्कटॉप के लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम ने ये प्लान किया है कि विंडोज फोन के लिए जो इंस्टाग्राम ऐप है उसे खत्म कर दिया जाएगा। वेल, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी बहुत सारे विंडोज फोन यूजर्स के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अब इंस्टाग्राम की ऐप को रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि विंडोज 10 का जो डेस्कटॉप वर्जन है इस एप्लीकेशन का वो वही रहेगा, जो कि अभी बहुत सारे यूजर्स को अगर हम देखें तो हम इस तरह के कॉमेंट जरूर देख सकते हैं क्योंकि पीपल आर मोर इन टू यूजिंग एन एप्लीकेशन एज कम्पेयर टू द डेस्कटॉप वर्जन। और अपने मोबाइल से किसी चीज को ऑपरेट करना ज्यादा आसान होता है जबकि उसके डेस्कटॉप वर्जन से, इसलिए बहुत सारे लोग इस जो एक्ट है या इस एक्शन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम की तरफ से कि एप्लीकेशन को रिमूव नहीं करना चाहिए था बिकॉज़ इट्स बीन क्वाइट सम टाइम कि हम विंडोज प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम की ऐप देख रहे थे। Well, viewers, the next IT update is related to some rumors about Motorola G6. It's a smartphone जिसके बारे में हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, अपने इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट्स पे भी देख रहे हैं। और अब फाइनली उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है विच इज द स्पेसिफिकेशंस एंड द रिलीज डेट ऑफ द हैंडसेट। But this phone will have a 5.7 inches display. कहा ये जा रहा है कि इसमें जो OS यूज होगा that will be Android Oreo 8.0 और इसमें Qualcomm Snapdragon 450 का octa-core processor यूज होगा। The rumors also say that this handset will come either with a 3GB RAM or 4GB RAM. और इसी के साथ साथ ये भी कंफर्म नहीं है कि इस हैंडसेट की जो इंटरनल स्टोरेज होगी वो 32GB होगी या 64GB. It will have a 3000 mAh battery and the price will be around $250. Well viewers, ये थी हमारी आज की IT and Telecom updates. इंशाल्लाह आपके लिए लेके आएंगे कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और रीसेंट हैपनिंग्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।